बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि कोटि कोटि हिंदू जनमानस सनातन धर्म के अनुयायियों के आराध्य रामलला जल्द ही अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन खेद का विषय है कि जहां धर्म आधारित राजनीति से राष्ट्र और राष्ट्र के निवासियों का कल्याण होता है, वहीं अगर धर्म आधारित राजनीति होने लगती है तो उससे कहीं न कहीं धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। कोरोना काल में यहाँ पर मंदिरों में पूजा पाठ वर्जित किया गया, वहीं मधुशाला में प्रवेश वर्जित नहीं किया गया, लेकिन हमारा संत समाज इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। आज हम संत समाज से निवेदन करेंगे, ज्ञान विज्ञान के वेद पुराण के जानकारों से निवेदन करेंगे कि जब धार्मिक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा महिला व्यास नहीं कह सकती, तो क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उसके उद्घाटन में इन विषयों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए? प्रभु राम के नाम पर राजनीति और उनकी भक्ति सर्वथा उचित है, लेकिन उनके कर्तव्यों का भी अनुसरण करना चाहिए। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और माता सीता जी ने प्रजा हित में राजसत्ता का त्याग किया, आज राजसत्ता हित प्रजा हित का त्याग किया जा रहा है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार और प्रभु राम के जीवन दर्शन को देखें तो अश्वमेध यज्ञ करते समय माता सीता की अनुपस्थिति में गुरुजनों के परामर्श अनुसार प्रभु श्री राम ने माता सीता की सोने की मूर्ति बगल में रख करके और अश्वमेध यज्ञ करने का काम किया था। ऐसे में निश्चित तौर पर आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या उसका उद्घाटन कहीं न कहीं धर्माचार्यों द्वारा होना चाहिए। माना कि धर्माचार्यों की देखरेख में उनके मार्गदर्शन में मोदी जी इन सारे कार्यों को करेंगे, तो फिर ऐसे में हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि उनके साथ यशोदा बहन मोदी जी का रहना नितांत आवश्यक है, अन्यथा ये तो सनातन धर्म की परिपाटी बन जाएगी कि धार्मिक अनुष्ठान अकेले अकेले ही लोग बिना पत्नी करने लगेंगे। कहीं न कहीं ये धर्म की मर्यादा के अनुरूप और महिलाओं को दी जाने वाली बराबरी के अधिकार के अनुरूप है। ऐसे में देश के शासक के तौर पर मोदी जी धर्माचार्यों के उपस्थिति में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करें, रामलला सरकार को उसमें विराजमान करें, लेकिन सापत्नी काम है तो ये धर्म के अनुरूप होगा और कोटि-कोटि हिंदू जनमानस को इससे और प्रसन्नता होगी। जहाँ तक हो सके मंदिर का लोकार्पण और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का काम अगर शंकराचार्य करें तो अत्युत्तम होगा, क्योंकि अगर यदि राजनेता मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा करने लगेंगे तो भला धर्माचार्य क्या करेंगे? धर्म का प्रचार प्रसार और धर्म का उत्थान धर्माचार्यों के हाथ में ही निहित रहे तो और सर्वोत्तम होगा।